पाकिस्तान तो पस्त पड़ गया है। इन पांच चरणों ने ही देश में तीसरी बार मोदी सरकार पक्की कर दी है। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, चारों ओर एक ही स्वर गूंज रहा है कि फिर एक बार। पूर्वांचल, जहां पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र वाराणसी है, सीएम योगी का गढ़ गोरखपुर है, तो वहीं समाजवादी पार्टी का पुराना किला कहा जाने वाला आजमगढ़ और बस्ती भी है। हालांकि प्रधानमंत्री के काशी से जुड़ने के बाद पूर्वांचल के लगभग सभी इलाकों में तमाम सियासी समीकरण बदल चुके हैं, मगर 24 की लड़ाई में बीजेपी कोई भी रिस्क लेने के मूड में नहीं है, इसलिए बीजेपी अपने टारगेट नंबर को बार बार वोटर तक पहुंचा रही है। 4 जून को उत्तर प्रदेश 80 कमल की मालाओं को मोदी जी के गले में डाल करके 400 पार के लक्ष्य को प्राप्त करने में अपना योगदान दे। देश की जनता मोदी को फिर एक बार प्रधानमंत्री बनाने का निर्णय कर चुकी है। एनडीए ने अलग तरह की रणनीति के साथ पूर्वांचल में विजय पताका फहराने की प्लानिंग की है। इसके तहत बीजेपी के दो सबसे बड़े और फायर ब्रांड नेता मिशन पूर्वांचल पर हैं। पीएम मोदी और सीएम योगी डबल टीम बनाकर लगातार पूर्वांचल के इलाकों में रैलियां कर रहे हैं, जहां अपने दोनों धुर विरोधी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर जमकर बरस रहे हैं। सपा भी इस दलित पिछड़ा विरोधी षड्यंत्र में कांग्रेस के साथ खड़ी है, इसलिए आपको सपा कांग्रेस को यूपी में पक्का सबक सिखाना है। दरअसल चुनाव के अंतिम दो चरणों में बीजेपी पर अपनी जीत के साथ साथ अपने सहयोगी दलों को भी जिताने की जिम्मेदारी है। पूर्वांचल में एनडीए के 3 घटक दल सुभाषपा, निषाद पार्टी और अपना दल की प्रतिष्ठा दांव पर हैं। मिर्जापुर से अपना दल की अनुप्रिया पटेल, घोसी से सुभाषपा के अरविंद राजभर मैदान में हैं, तो इसी इलाके में निषाद पार्टी का भी अपना वजूद है। यही वजह है कि पीएम मोदी अपनी रैलियों में पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी मतदाता भूलकर भी एनडीए के घटक दलों के अलावा कहीं और न भटक जाए। सपा को मिलने वाला एक भी वोट, कांग्रेस को पड़ने वाला एक भी वोट किसी काम का है क्या? कोई काम का है क्या? निरर्थक है कि नहीं है? निरर्थक है कि नहीं है? आपका वोट बेकार हो जाए, बर्बाद हो जाए, ये यहां का कोई मतदाता चाहेगा क्या? नहीं चाहेगा ना? और इसलिए आपका वोट उसको पड़ना चाहिए जिसको आप सरकार बनाने के लिए देना चाहते हैं, जिसकी सरकार बनने की गारंटी है। दरअसल पूर्वांचल में एनडीए और आईएनडीआईए गठबंधन के बीच की लड़ाई दिलचस्प मोड़ पर पहुंच चुकी है। एक तरफ मोदी और योगी की जोड़ी ताबड़तोड़ रैलियां कर रही है, तो दूसरी तरफ अखिलेश और राहुल भी अपनी दावेदारी पेश करने में पीछे नहीं है। पिछले दिनों राहुल और अखिलेश की रैली में जुटी अपार भीड़ से इंडिया गठबंधन का जोश भी काफी ऊपर है, मगर पीएम मोदी विपक्ष की मजबूती को कमजोर करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। कल मैंने कुछ वीडियो देखे जिसमें लोग भाग भाग करके मंच पे चढ़ जाते थे, सपा कांग्रेस वाले रैली में लोगों को लाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, लेकिन इन्होंने पेमेंट किया नहीं, इसलिए लोग गुस्से में भाग करके मंच पर पहुंच गए। जाहिर है बीजेपी पूर्वांचल की 27 सीटों के एक एक वोट का हिसाब रख रही है और पूरी प्लानिंग के साथ प्रचार कर रही है, जिसमें पार्टी के दिग्गज नेताओं के साथ साथ बूथ लेवल के कार्यकर्ता भी जी जान से जुटे हैं। आखिर मामला सिर्फ बहुमत का नहीं, 400 सीटों का है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
जी न्यूज़।